कैसे हैं आप लोग? तो बेटे, आज मैं आपको करवाऊंगी बड़े उ की मात्रा। कौन सी मात्रा? बड़े उ की मात्रा। इसको बड़ा उ क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो आवाज है बड़ी होती है, लंबी आवाज होती है। छोटे उ की छोटी आवाज और बड़े उ की लंबी आवाज, उ। ठीक है। और बेटे, इसका मात्रा चिन्ह क्या होता है? मात्रा चिन्ह मतलब सिंबल। ठीक है। किसी भी मात्रा का सिंबल क्या होता है? ये देखिए, बड़े उ की मात्रा का जो चिन्ह है बेटे, ये है। ठीक है। आपने कैसे बनाना है? ये किसी भी अक्षर के नीचे लगाई जाती है। यहाँ से ऐसे गोल करते हुए लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ आपने इसकी ऐसे टेल लेके जानी है। ठीक है। इसकी जो टेल है किधर लेके जानी है? लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है। अब बेटे, ये इसको जब हम अलग अलग व्यंजनों के साथ लगाते हैं तो उससे हम बहुत सारे आगे शब्द बना सकते हैं। ठीक है। मैं आपको अभी बताऊंगी कि हम इसको कैसे व्यंजन के साथ लगाकर शब्द बनाते हैं। ये देखिए, ये है क। क को बड़े उ की मात्रा, कू ल कूल। क्या बन जाएगा? क को बड़े उ की मात्रा, कू ल, ये बन गया कूलर। कूल मतलब बेटे, कूल का मतलब होता है किनारा। रिवर होता है ना, नदी होती है ना, नदी का जो एज होता है जिसको आप एज बोलते हो, उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? किनारा। ठीक है। पानी वाली जो नदी होती है जिसमें पानी होता है, ठीक है, उसके हम एज को बोलते हैं हिंदी में कूल। क्या बोलते हैं? कूल। कूल मतलब किनारा, एज। तो ये देखिए, ये क्या है? नेक्स्ट ये है ख को बड़े उ की मात्रा, खू न। क्या बन जाएगा? खून। खून मतलब ब्लड। जब हमें चोट लगती है, गिर जाते हैं, तो हम क्या निकल आते हैं? खून निकल आता है ना, है ना, रेड कलर का ब्लड। तो ये भी बेटे बड़े उ की मात्रा का शब्द है, इसको क्या बोलते हैं? खून। नेक्स्ट देखिए, ये है फ। फ को बड़े उ की मात्रा, फू ल। क्या बन जाएगा? फूल। फूल मतलब फ्लावर। ये देखिए, है ना, फ्लावर है ना, ये भी बड़ी उ की मात्रा से लिखा जाता है, फूल। तो नेक्स्ट बेटे ये है च को बड़ी उ की मात्रा, चू। ड को बड़ी की मात्रा, डी। ये कौन सा अक्षर है? नीचे बिंदी है। जब ड के पैर में बिंदी होती है, क्या बोलते हैं इसको हम? ड। ड, ये ध्यान रखने, इसको आपने ड नहीं बोलना। अंगा के पीछे बिंदी होती है, बिना बिंदी के अकेला ड होता है, और जब पैर में बिंदी आ जाती है ये बन जाता है ड। क्या वर्ड बनता है? ड। ठीक है। ड को बड़ी की मात्रा, डी। क्या बन जाएगा ये? चूड़ी। चूड़ी मतलब बैंगल। मम्मा पहनती है ना ऐसी बैंगल, देखो मैंने भी पहनी है, देखो बैंगल्स है ना, तो ये होता है चूड़ी। चूड़ी भी बेटे बड़े उ की मात्रा का शब्द है। नेक्स्ट है झ को बड़े उ की मात्रा, झू। कौन सा व्यंजन है ये? झ। बोलो मेरे सब पीछे, झ। झ को बड़े उ की मात्रा, झू। ल को आ की मात्रा, ला। क्या बन जाएगा? झूला। झूला मतलब स्विंग, जिसपे आप झूले लेती हो। ये देखो कितना सुंदर मेरे पास झूला है ना, देखो ऐसे इस पे झूले लेते हो ना, बैठ के बच्चे झूले लेते हैं पार्क में। जब आप लोग जाते हो तो आप झूले पे क्या लेते हो? झूले। और इस पे पता कौन बैठता है? ये मेरे झूले पे कृष्ण जी जाते ना जन्माष्टमी पे कृष्ण जी को झूले देने, वैसे झूले पे बैठते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बेटे है द को बड़े उ की मात्रा, दू ध। क्या बन जाएगा? दूध। दूध मतलब मिल्क। मिल्क पीते हो सभी लोग? सुबह उठ के मिल्क पीते हो ना बेटे? मिल्क जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मिल्क मतलब दूध। मिल्क मतलब दूध। ठीक है। नेक्स्ट है र को बड़ी उ की मात्रा, रू। म को आ की मात्रा, मा। म को आ की मात्रा, मा ल। क्या बन जाएगा? रुमाल। क्या बन जाएगा? रुमाल। रुमाल मतलब है कि। ठीक है बेटे।
आप एक चीज देखो कि सभी जो व्यंजन है बाकी व्यंजन में हम उ की मात्रा कहाँ लगाते हैं, नीचे। देखो नीचे लगाइए ना, लेकिन र एक ऐसा व्यंजन है जिसमें छोटे उ और बड़े उ दोनों की मात्रा जो है उसके नीचे नहीं लगती। छोटे उ में आपको सिखाया गया था है ना, तो कहाँ लगती है, उसके पीछे, ऐसे ही यहाँ सेंटर में, ठीक है। जो बड़ा हुआ यहाँ पे ऐसे मोरी बनती है, ऐसे, ठीक है, होल सा बन जाता है। ये देखिए ये है छोटा उ, र को छोटा उ, रु, ऐसे यहाँ मोरी नहीं बनानी आपने, होल नहीं बनाना, और र को बड़ा उ, रु, ऐसे यहाँ पे इसको आपने गोल करके फिर लेके जाना, ठीक है बेटे। इस तरह से आप और भी बहुत सारे शब्द जो है बड़े उ की मात्रा के बना सकते हो, ठीक है बेटे। थैंक यू।